वो ये है बीपीएच। देखिए आप यहाँ पर एक SMB1360 करके एक आईसी लगी हुई है जो कि आपकी चार्जिंग आईसी है, उसमें जा रहा है। प्लस इसके साथ में एक फ्यूल गॉज आईसी है। सो आप देख रहे होंगे कि बैटरी आपकी, देखो ये जो सिंबल है ना, मैं आपको यहाँ पे ये सिंबल दिखाता हूँ। हमें तीन चीज हम स्टेप टू स्टेप चेक करेंगे। तो पहला नंबर वन, पहले पर हम जाएंगे ये फ्यूल गॉज में, हम ये फ्यूल गॉज नंबर पहला फ्यूल गॉज, नंबर दूसरा SMB और नंबर तीसरा ये PN। तो दोस्तों मेरे से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डैड मोबाइल में समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। भैया सिर्फ बैट वीबैट पर सॉर्टिंग मत ढूंढो, वीबैट से ही फाइंड आउट करो। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं कि वो खाली इतना सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए वीबैट आपको दिख रहा होगा। अब भैया तुम वीबैट सेलेक्ट करोगे तो तुमको देखिए यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये वाला जो रजिस्टर है आपका, ये जो रजिस्टर है वो ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है। और ये जो बीबैट जा रहा है वो आपका, जैसे कि आपने देखा कि ये डेड सेट था और ना इसमें EMMC का फॉल्ट था, ना इसमें शॉर्टिंग थी, ना हाफ शॉर्टिंग थी, फिर भी ये डेड था। तो क्यों, क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। और इस बार मैंने आपको कोशिश किया कि इस बार आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम के साथ में सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई। देखिए ये हमारा फ़ोन कम्प्लीट रूप से ऑन हो गया है, देखिए टच भी यहाँ पे वर्किंग में है। प्यारे भाइयों एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टा टेलीकॉम आपका चैनल, मैं हूँ देवव्रत अग्रवाल। और यहाँ मेरे पास में है एक रेडमी का Y1, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मोबाइल डेड कंडीशन में है और इस मोबाइल को हम पूरा चेक करेंगे स्टेप टू स्टेप, किस तरह से डेड फ़ोन को बनाया जा सकता है और क्या उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। तो बेसिकली आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने इसकी बैटरी निकाल के रखी हुई है, यहाँ पर टेप लगा हुआ था। और यहाँ पर क्या क्या काम हुआ होगा या जिसने भी ये अगर से पहले यहाँ पे काम किया होगा, देखिए इसको मैंने ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत चेक करने के लिए यहाँ से नीचे यहाँ का जो ऊपर का कवर होता है, इसके नीचे का कवर जिस पे स्पीकर लगा होता है, वो मैंने बॉटम कवर इसका निकाल कर रखा हुआ है। ये इसका आपके, तो ये इसका चार्जिंग कनेक्टर है, ये इसका टच का जो कनेक्टर है उन्होंने यहाँ पर देख रखा हुआ, नीचे बॉटम आपके सब PCB में यहाँ पर देख रखा हुआ है। ये इसकी RF केबल है, ये इसका यहाँ पर आपको B2B केबल यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो है आपका डिस्प्ले का केबल, जिसमें डिस्प्ले और लाइट के कनेक्शन है, ग्राफिक्स और लाइट के कनेक्शन आप जिसमें बोल सकते हैं। ये है रेडमी Y1। आप जैसे कि पूरी PCB में यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे पत्र यहाँ पर ऑलरेडी जो सील बोलते हैं इनको, तो इनको आप सील या इनको केन भी बुला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई हैं। और क्या इसमें काम हुआ है क्या नहीं हुआ, तो सबसे पहले देखिए एक डेड मोबाइल में आते हैं तो सबसे पहले हम इसके बैटरी के चार्ज देखना चाहिए। कभी भी अगर आपके पास में डेड मोबाइल है और अगर आपने इसको खोल कर रखा हुआ है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डेड फोन आता है तो आप बैटरी के चार्ज भी ना देखें, आप उसको पहले एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखें और देखें कि वो पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्योंकि किसी भी मोबाइल को खोलने में आप जितना समय लगाएंगे उतना आप जल्दी में पोर्ट देखने में लगा लेंगे, और अगर पोर्ट बन जाता है तो उसको आप, अगर पोर्ट बन जाता है तो उसको आप सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर कीजिए, उसको फ्लैश करने की कोशिश कीजिए। अगर वो फ्लैश होता है तो ठीक है, अगर कोई एरर, जैसे रीड इन्फो भी कर सकते हैं, अगर रीड इन्फो होता है तो ठीक है, अगर रीड इन्फो नहीं होता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उधर उसमें कोई एरर हो, कुछ EMMC से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब उसमें EMMC से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, उसके बाद में हम कुछ रीडिंग चेक करेंगे और यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं सर्किट डायग्राम से वीबैट को ट्रेस करना सिखाऊंगा, कैसे वीबैट को कैसे वीबैट से कैसे वीबैट की लाइन जो होती है वो ट्रेस कर सकते हैं और कैसे फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत से लोगों का डेड मोबाइल में यही फॉल्ट होता है। अच्छा, बहुत से वीडियो में आपको डेड मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली देखे भी होंगे आपने कि किसी ने सीधी IC उठाई बना दिया,
या किसी ने सीधे किसी बीबैट की लाइन को बता दिया और बना दिया, पर आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा कि कभी वो बीबैट की लाइन हमें किसी थर्ड मोबाइल में ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे। तो उसके लिए स्कीमेटिक का यूज़ करेंगे और कैसे इस लाइन को ढूंढना है और अगर उस लाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम जज कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैटरी लगा देता हूँ। देखिए मैं बैटरी तो देखिए मेरा यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको माइक्रोस्कोप से दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको मल्टीमीटर मुझे दिखाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो से बैटरी लगा के रखी है, मैंने डिस्प्ले कनेक्टर भी मैं लगा देता हूँ, हालांकि डिस्प्ले कनेक्टर से कोई मतलब नहीं बनता है। सो यहाँ पर बैटरी, ये देखिए बैटरी लगा देते हैं। और देखिए बैटरी के वोल्टेज चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बैटरी को अलग करके चेक करें। हाँ, हालांकि अगर शॉर्टिंग मिलती है तो कभी कभार बैटरी हटाने पर ही भी आपको वोल्टेज चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपका बोर्ड हाफ शॉर्ट है और जिसकी वजह से बैटरी भी आपका वोल्टेज को डाउन कर सकती है। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा के रखी हुई है। अब मैं पहले बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। सो जैसे देखिए इसको हम 20 वोल्ट पे कर लेते हैं। तो देखिए 20 वोल्ट पे हमने इसको कर लिया है। अब हम यहाँ बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे। सो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं हमें 3.9 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब यहाँ पे 3.9 वोल्टेज, अच्छा ये भी चीज़ें देखिए ये फ्लैक्चुएट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है इस फोन में, क्योंकि फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हो सकते थे ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएट हो तो लीकेज ही हो, पर एक संभावना बन जाती है अगर फ्लक्चुएशन हो तो लीकेज माना जा सकता है। तो अब क्योंकि बैटरी के वोल्टेज सही हैं और आपको तो पता होगा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और टेक्नीशियन या कहीं आपने सीखा है या आप सीखना चाहते हैं, सो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप तो फिर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये है आपका पावर की कनेक्टर। देखिए इसको सर्किट को समझाने के लिए बहुत अच्छे से मैं इसको डीपली में भी ले जाके समझा सकता हूँ, और मैं आज आपको हालांकि वीडियो मैंने इस पर्पज से भी बनाया है कि बीबैट की लाइन आपको बतानी है कि कहाँ कहाँ जाती है। हालांकि फिलहाल तो हम इसको ट्रेस करेंगे और उस फॉल्ट को बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पर जब भी आप मोबाइल फोन में बैटरी लगाते हैं तो सबसे पहले जो वोल्टेज होते हैं वो आपको बैटरी कनेक्टर पर मिलते हैं, प्लस आपको पावर की पर भी आपको वोल्टेज मिलते हैं, क्योंकि जो आपको बूट ट्रिगर सिग्नल करना पड़ता है, जो बूट ट्रिगरिंग होती है और जो सिग्नल आपको पैदा करना है, जो बनाना है 3 सेकंड तक, जो 3 सेकंड आप दबाते हैं और ग्राउंड के साथ अपने सिग्नल को जो फ्रिक्वेंसी देते हैं और जिससे आपकी पावर आईसी, जो भी मेन डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है वो आपकी बूट होती है, और उसके बाद वो एक स्विचिंग पैदा करती है जिससे आपका वो फ़ोन ऑन होता है। सो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए मुझे यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं। अगर टेस्टिंग पॉइंट नहीं होते तो मैं टेस्टिंग पॉइंट, ये जो कनेक्टर होता है मेरे 6 पिन का कनेक्टर है, मैं इस पर लगा के इसको चेक कर लेता। तो टेस्टिंग पॉइंट पे मुझे जो मेरे पावर, जो पावर की के जो मुझे वोल्टेज मिलने चाहिए वो मुझे मिनिमम मिलना चाहिए 1.2, और जो 2.8 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में जनरली 1.7-1.8 वोल्टेज आते हैं। सैमसंग में इसको 1.2-1.4 का भी 1.6 भी देखा गया है, और नॉर्मली 3G फोनों में या अलग किसी 4G फोनों में यहाँ 4.2 वोल्टेज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। सो आप जैसे देख रहे हैं कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। आप देखिए आप ये स्क्रीन में देखते रहिए जहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है, तो यहाँ पर हमने लगाया और यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ इसके ऊपर लगाया और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ हमने लगाया यहाँ पर 2.7 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। इसको कहने का मतलब ये है कि 2 वोल्टेज क्यों मिल रहे हैं। देखिए जो एक वोल्टेज है वो आपके पावर की का है जिसमें 2.7 मिल रहे हैं, और एक है एक वोल्टेज, देखिए 2 वोल्टेज है जो आपके एक पावर की का है और एक वोल्टेज है वो आपका वॉल्यूम डाउन का है। वॉल्यूम डाउन में जनरली यहाँ वोल्टेज मिलते हैं, क्योंकि आपको फास्ट बूट मोबाइल में जब इसमें मॉडल में डालते हो सो यहाँ पर जनरली आपको वॉल्यूम डाउन में भी आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा वॉल्यूम अप में भी आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, खैर ठीक है, पर समस्या मेन ये है कि यहाँ हमको पावर की में भी वोल्टेज आ रहा है, यहाँ हमको बैटरी कनेक्टर पे भी वोल्टेज आ रहा है। अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। देखिए अब हम इसकी रीडिंग चेक करने वाले हैं, तो मैं इसकी रीडिंग चेक करने के लिए इसको रेजिस्टेंस मोड में डाल दिया, मैंने डायोड मोड पर डाल दिया। सो इसकी रीडिंग चेक करने के लिए हमने इसको डायोड मोड पर डाला हुआ है। अब हम इस बैटरी को निकाल देंगे, क्योंकि अगर हमको रेजिस्टेंस चेक करना है और हमको चेक करना है कोल्ड टेस्टिंग में कि हमारे पास जो बैटरी का कनेक्टर पे जो हमारी रीडिंग आना चाहिए वो एक्चुअल कितनी आ रही है, तो कितनी आना चाहिए और क्या है, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर लगा के आपको जैसे दिख रहा है 405 यहाँ पर ओम्स की रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो फिर से लगा लेते हैं, देखिए
405 यहाँ पे आ रही है। ये मल्टीमीटर का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है और फ्लक्चुएट भी नहीं कर रही है, तो इसका ये मतलब जान सकते हैं कि ये लीकेज कंडीशन में नहीं है। तो उसको हम रिवर्स करके भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। रिवर्स करने में क्या होता है, ब्लैक वाले पोर्शन को आपको ग्राउंड पे लगाना होता है और रेड वाले को आपको टेस्टिंग पॉइंट पे लगाना होता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। एक बार मैं आपको ग्राउंड दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर लगाने पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है और यहाँ लगाने पर आपको सही रीडिंग देखने को मिल रही है। अब इसके देखिए डेड मोबाइल में हमको जो मेन देखिए डेड मोबाइल में हमको जो बीबैट की रीडिंग है वो तो चेक करनी ही पड़ती है, साथ में बीएसआई एंड बीटेन की रीडिंग भी चेक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है मोबाइल फ़ोन में। तो अगर हम यहाँ पर इस लाइन को चेक करेंगे, देखिए मुझे बीएसआई आ रहा है पर मुझे बीटेन की रीडिंग नहीं आ रही है। आप जैसे कि यहाँ पर नोटिस करो तो मुझे बीटेन की रीडिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। देखिए मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे बीएसआई आ रहा है और यहाँ पर मुझे इस प्रॉब्लम को एक बार मैं बंद करके फिर से चालू करना चाहता हूँ। तो ये मल्टीमीटर का प्रॉब्लम है, जनरली बैटरी का भी वजह से प्रॉब्लम आता है मल्टीमीटर के। देखिए अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बार बार आ रहा है क्योंकि मल्टीमीटर का प्रॉब्लम है। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, ओके लॉकडाउन में मल्टीमीटर यूज ही नहीं हो रहा दोस्तों, मैं क्या करूँ। तो मल्टीमीटर भी उसको भी अटैक आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर इसको तो मिल ही रहे हैं, बीएसआई की रीडिंग भी आ रही है 600, साथ में बीटेम है जो यहाँ बीटेम की रीडिंग यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है और उसके बाद ये ग्राउंड तो ग्राउंड ही है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हमारा एक फॉल्ट हमें डिटेक्ट हमें बनता है और वो है हमारा बीटेम का ओपन होना। और हमारा क्या क्या सही है यहाँ पर, तो बैटरी में कोई भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्टिंग नहीं है, पावर की पे पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसमें हम डेड मोबाइल में क्या क्या चेक कर सकते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत लाजवाब वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ आप इससे सीखने वाले हो। और आशा करता हूँ कि और कुछ नया और कुछ बढ़िया और बहुत अट्रैक्टिव और छोटी छोटी और बारीकियाँ चीज़ें आपको सीखनी है तो आप क्लास ज्वाइन करें और क्लास में आपको मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची भी ना हो और जो आपके मोबाइल लेवल को ही आगे बढ़ा देगी, एक दूसरे लेवल पे ले जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि अगर बी टेम पे भी रीडिंग आती, समझिएगा कि मैंने कैमरे को थोड़ा सा मूव किया हुआ है। देखिए मान लीजिए बी टेम को भी रीडिंग आती और सारी चीज सही होती, फिर डैड होता तो क्या, जैसे कि मैंने बोला आपको पोर्ट बनाकर देखना होता है पोर्ट। ये देखिए केबल यहाँ पर लगी हुई है, ये केबल मैं यूज करना चाहता हूँ, ये केबल है, ये देखिएगा आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। और तो मैं लैपटॉप में अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, उसके साथ मैं आपको यहाँ पर पोर्ट बना के दिखाता हूँ। हालांकि आप यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखिए ओपन करके ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ डिवाइस मैनेजर, आप जैसे कि यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे। अच्छा डिवाइस मैनेजर करने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये MI के फ़ोन है, MI के फ़ोन में हमें चार्जर पे भी हमें चेक करना होता है कि चार्जर लगाने पर हमारे को यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है या MI या जनरली किसी भी फ़ोन में। देखिए डेड मोबाइल को बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला आपने शॉर्टिंग चेक कर ली, हाफ शॉर्टिंग चेक कर ली, आपने पावर की के वोल्टेज चेक कर ली। अब जैसे मुझे यहाँ पर फॉल्ट मिला है और नहीं मिलता तो मैं बीबैट को ऑब्वियस है कि ट्रेस करता और थोड़ा सा हीट करता और जो भी IC है, जो CPU है, जो हमारा पावर IC है उसको थोड़ा रिहॉट कर लेता, फिर उसके बाद मैं चेक करता। बट जनरली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वाटर डैमेज के कोई निशान नहीं है, वाटर डैमेज फोन है नहीं है। और मैं केबल वेबल चेक कर लेता, मैं डिस्प्ले की केबल चेक कर लेता, मैं वाइब्रेटर चेक कर लेता, सारी चीज़ें मैं एक एक करके मैं इसको चेक कर लेता। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये फ़ोन डेड है कि क्या नहीं है। तो यहाँ पर अब मुझे चार्जर चेक करना है, तो मुझे ये चेक करना है कि क्योंकि अगर यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे सपोज देखिए ये तो एक MI का फ़ोन है, यहाँ मैंने चार्जर पर लगाया है और ये कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, जबकि आपको भी पता होगा कि MI में विदाउट बैटरी लगाने पर ये MI का लोगो आके ऑफ हो जाता है। तो इसका फॉल्ट है, डेड तो है ये मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जर लगाने पर एक बार ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे तो ये हो सकता है कि ये चार्जिंग IC से फॉल्ट हो, और चार्जिंग IC क्योंकि जनरली आपको तो पता ही है दोस्तों कि
ये आजकल के पावर आईसीओ के अंदर आने लगी है, जैसे MI, जैसे जैसे PMI होती है, जैसे या BQ होता है जो DC to DC कन्वर्टर भी होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चार्जर के आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्जर लगाया हुआ है, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको पहले वोल्ट में कर देता हूँ, ये देखिए 20 वोल्ट पे मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको वोल्टेज में लगा के इसको चेक करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर देखिए आप जैसे कि देख रहे होंगे मुझे रनिंग यहाँ पर 4 वोल्टेज मिल रहे हैं, ये देखिए। अच्छा यहाँ पर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं इसको रखूँ फिर से तो देखिए हाँ बिल्कुल मुझे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 4 वोल्टेज मुझे आ तो रहे हैं पर मुझे फ्लक्चुएट करके आ रहे हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से बंद और चालू करके चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए 5 वोल्ट मुझे बराबर पूरे मिल ही रहे हैं और ये एक्चुअली मैंने लैपटॉप से लगाया है तो थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर डाउन हो सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 4 वोल्टेज मिल रहे हैं पर ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों इसका भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप बीबस की लाइन को ट्रेस कीजिए, ये लाइन को मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए अगर आप इस लाइन को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप ये बीबस की लाइन को ट्रेस कीजिए, इसकी लाइन पे लगे कई बार कैपेसिटर्स बीबस की लाइन पे लीकेज होने की वजह से जो बीबेट के पर नहीं होते तो हम बीबेट पे शॉर्टिंग ढूंढते हैं, पर जनरली शॉर्टिंग सेकेंडरी लाइन पे भी हो सकती है, सो वो आपको मिल सकती है। पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के यहाँ पे चेक कर लिया था, यहाँ पे कोई भी ऐसा लीकेज नहीं है, हम शुरू से यहीं पे चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें जो फॉल्ट यहाँ पे एक मिला हुआ है वो BTM का है, तो सबसे पहले हम BTM की लाइन को बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम अगर उससे नहीं बनता है तो फिर हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे और जो इसकी चार्जिंग IC है उसको निकाल के उसको रिप्लेस करेंगे, उसको रिवॉल्व जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले आप इसके डायग्राम में आ जाते हैं और इसकी फोटो खींच के इसकी फोटो के साथ मैं बताता हूँ इसका डायग्राम है कि कौन सा कंपोनेंट किधर लगा हुआ है। तो चलिए अब आपके सामने दो चीज आपको शेयर हो रही है, एक आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और एक उसका डायग्राम यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये इसका लेआउट है और इसके लेआउट में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे आपको PCB का दिख रहा होगा वैसे ही आपको सेम यहाँ पे भी चीज दिख रही होगी। दोनों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ये है J1001, ये इसका आपका बैटरी कनेक्टर है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ J1110 इसका बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। हमने यहाँ पर रीडिंग चेक की थी जो कि हमें रीडिंग यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग के टाइम पे हमें यहाँ पर तो हमें रीडिंग मिल रही थी और कोल्ड टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पर तो हमें रीडिंग मिल रही थी, यहाँ पर भी हमको रीडिंग मिल रही थी, पर हमारा बी टाइम था वो बिल्कुल ओपन था और ये हमारा ग्राउंड था। तो बेसिकली हमारा ये फॉल्ट एक यहाँ से बन सकता है, पर हम फिर भी एक बार बी टाइम को हम ट्रेस करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी टाइम जनरली कहाँ कहाँ किधर जा सकता है। PCB को थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं, PCB में आप देख सकते हैं कि थोड़ा जगह जगह पे थोड़ा सोल्डिंग किया गया हुआ। देखो यहाँ पे भी पहले बैटरी को बनाने के लिए मतलब किसी ने DC मशीन से जोड़ने के लिए यहाँ पे इसको एक सोल्डर किया था। तो जैसे कि मोबाइल आया है वैसे ही मोबाइल को ओपन करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे सारे यहाँ पर केन और सारे सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें वाटर डैमेज के निशान तो मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए इसको पहले ट्रेस करते हैं कि बीबेट आपका जाता किधर है। अब देखिए आपने खोलना है अपना लेआउट और लेआउट के बाद फिर आपको खोलना है इसका डायग्राम। तो यहाँ पर हालांकि मैं डायग्राम पूरा इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ डीपली में GPIO ये क्या होता है और ये किसके पैड है और ये क्या सप्लाई है, कहाँ जाती है क्या नहीं है, हर एक पेज में आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्लासेस और अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में सिर्फ चीज़ें आपको पूरी सारी तरीके से समझाई नहीं जा सकती हैं सामने बैठ कर, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों ऑनलाइन कभी भी सीखा नहीं जा सकता एक हार्डवेयर काम, आप भी समझते हैं खोलना लगाना खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे।
तो यहाँ पर ये है इसका जो आपको दिख रहा है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। और ब्लॉक डायग्राम से यहाँ पर हमको यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पे देखिए एक PM8937 यहाँ पे लगी हुई है। और देखो पीएम के और उसी के अंदर देखो यहाँ पर जो मेन आपका बैटरी करेक्टर है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बैटरी करेक्टर को फाइंड आउट करना होता है, इसको बीपीएच आपका पावर कहाँ से जा रहा है। सो आप थोड़ा नोटिस करोगे कि जो आपका पीएम यहाँ लगी हुई है वो आपका एलडीओ, जो पीएम लगी हुई है वो मेन आपका एलडीओ जो सेक्शंस होता है डीसी टू डीसी, मतलब ये एक डीसी टू डीसी एक आईसी भी है प्लस एक एलडीओ, क्योंकि ये तो पीएम है, हालांकि इसमें दोनों लाइन होती है, इसमें बक लाइन होती है, इसमें एलडीओ सेक्शंस होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रा जरूरी होता है, तो ही हम अपने पावर आईसी के आउटपुट को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए बीपीएच लाइन ये होती है, आप तो जानते होंगे बीपीएच लाइन क्या होती है। बीपीएच लाइन हमारी वोल्टेज पावर लाइन होती है जो डायरेक्ट बैटरी से ना होकर पावर आईसी या डीसी टू डीसी एक जनरेटर आईसी से आती है। अगर क्योंकि थर्ड सेकेंडरी या थर्ड लाइन पर अगर शॉर्टिंग हो जाता है क्योंकि अगर सेकेंड और थर्ड लाइन पर अगर शॉर्टिंग हो जाए तो डायरेक्टली आपका बैटरी को दिक्कत ना पहुंचे, इसलिए आजकल के सेटों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बैटरी कनेक्टर पर कभी कोई फॉल्ट नहीं मिलता है, सेकेंडरी और प्राइमरी लाइन होती है जहाँ फॉल्ट होता है। इसके साथ ये 90.2 का मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल लगा हुआ है, वीसीओ लगा हुआ है। आप नोटिस कर रहे होंगे मेरा जो मेन है नोटिस करवाने का सीन वो ये है बीपीएच, देखिए आप यहाँ पर एक एसएमबी 1360 करके एक आईसी लगी हुई है जो कि आपकी चार्जिंग आईसी है, उसमें जा रहा है प्लस इसके साथ में एक फ्यूल गॉज आईसी है। सो आप देख रहे होंगे कि बैटरी आपकी, देखो ये जो सिम्बॉल है ना, मैं आपको यहाँ पे ये सिम्बॉल दिखाता हूँ, देखिएगा ये देखिए, इसको मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ये जो सिंबल है ना ये बैटरी का सिंबल है, ये आपकी है ना बैटरी है। अगर मैं बात करूंगा ये आपका डी बैट है, ये जो सिंबल है ठीक है। अब ये दो जगह जा रहा है, बीपीएच में तो पावर आईसी में जा ही रहा है प्लस ये इन आईसीओ में भी जा रहा है, दिख रहा है आपको, मतलब आपको क्योंकि आपका फोन डेड है और वो यूएसबी भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, चार्जिंग तो कर रहा है पर वो सही चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो ये वाली आईसी भी फॉल्ट हो सकती है और ये वाली भी आईसी फॉल्ट हो सकती है क्योंकि हमारा बी टेम भी नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि बी टेम इस आईसी में और बीएसआईबी, मतलब अलग अलग सप्लाई दोनों आईसीओ में यहाँ पर दी हुई है, तो हम इन दोनों आईसीओ को पहले चेक करेंगे और उसके बाद जो तीसरा हमारा चेक करने का होगा वो हमारा जो होगा वो हमारा होगा ये पावर आईसी। ये हम पावर आईसी को हम चेक करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको रिवॉल्व करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है और उसके बाद हमारा फ़ोन सही तरीके से काम कर रहा है या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप है, तो मैं फिर से एक बार इसको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो हमें तीन चीज़ हम स्टेप टू स्टेप चेक करेंगे। तो पहला नंबर वन, पहले पर हम जाएंगे ये फ्यूल गॉज में, हम ये फ्यूल गॉज नंबर पहला फ्यूल गॉज, नंबर दूसरा एसएमबी और नंबर तीसरा ये पीएम। तो दोस्तों मेरे से बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डैड मोबाइल में समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। भैया सिर्फ बैट वी बैट पर शॉर्टिंग मत ढूंढो, वी बैट से ही फाइंड आउट करो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वोल्टेज, क्योंकि कौन सीपीयू तो आपको वोल्टेज नहीं दे रहा ना, वोल्टेज तो मेन पावर दे रहा ना, और सीपीयू को भी कौन वोल्टेज दे रहा, पावर दे रहा है। पहले तो आप अपना पावर चेक कर लो, तो पहले तो आप अपना पावर चेक कर लो और उसके बाद फिर अपनी जो आजकल के सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आ रहे हैं डीसी डीडीसी कन्वर्टर ऐसी सारी चीजें, अगर कहीं ना कहीं आपको पोर्ट बनना मिल जाता है तो फिर आप यहाँ पर, तो पहले तो आप अपना पावर चेक कर सकते हैं, आप डीसी डीसी ऐसी चेक कर सकते हैं, पोर्ट बन जाए तो आप फिर ईएमसी ऐसी भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बीबैट की लाइन को ढूंढते हैं कि क्या वाकई में फ्यूल गॉज यहाँ पर चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहिए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस ऐप और बी बैट भी लिख सकता हूँ, हालांकि देखिए डायरेक्ट आ गया ये मेरा बैटरी कनेक्टर। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा बैटरी कनेक्टर है और मैं बी टाइम की भी लाइन में सर्च कर सकता हूँ और बैटरी कनेक्टर भी मैं सर्च कर सकता हूँ, दोनों की लाइन में चेक करूंगा कि कहाँ जा रही है, क्योंकि मेरे लिए जो मेन है वो बी टाइम भी है और जो बैटरी कनेक्टर है वो तो है ही। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं आपको लाइन समझाऊं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन जो जा रही है ये आपका जा रही है बी बैट, ये आपका बी बैट है ठीक है,
जहाँ पे आपको बैटरी के वोल्टेज जा रहे हैं, ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी बीएसआई, ठीक है, ये बीएसआई की लाइन होती है, और ये जो बी बैटरी टर्म लिखा हुआ है, ये आपकी बैटरी टेम्परेचर की लाइन है। तो ये जो लाइन है ये है बी टेम, ये आपकी बी टेम की लाइन है, ठीक है। सो हमारे लिए जो हमें चेक करना है, वो हमें चेक करना है, सबसे पहले ये बीबेट की लाइन कहाँ जा रही है, सबसे पहले ये बीबेट की लाइन हम ढूंढेंगे, और मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इसके साथ यहाँ पे लगे हुए हैं एक डायोड, दो डायोड, एक आपका नॉर्मल डायोड और एक जिनर डायोड और एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर यहाँ पर, तीन कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल यूज किए गए हैं, और ये आपकी बीबेट की लाइन है। सो ये बीबेट की लाइन को हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ जा रही है, और उसी को हम सबसे पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो बी टाइम की लाइन है ये कहाँ जा रही है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, डायग्राम में आपको यहाँ पर राइट क्लिक आप जब करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन का एक ऑप्शन आता है। अब इसको बहुत सारी चीज है, आप यहाँ चाहें तो एडिट पे जा, यहाँ पर एडिट पे, हाँ एडिट पे जाकर आप फाइंड पे भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो कंट्रोल प्लस एफ दबा सकते हैं और राइट क्लिक कर सकते हैं और फाइंड यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फाइंड आ जाता है, आपने करना क्या है, अब देखिए आपको है ना ये सिलेक्ट करना है, पर जनरली ज्यादातर जो लोग हैं वो गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि वो खाली इतना सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए बी बैट आपको दिख रहा होगा। अब भैया तुम बी बैट सिलेक्ट करोगे तो तुमको देखिए यहां पर भी जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, यहां से आ रहा है, ये यहां से यहां पर भी जा रहा है, टेस्टिंग पॉइंट हो गया, तो यहां पर भी आप जैसे कि एक बी बैट यहां पर भी आप देख रहे होंगे, मैं हैंड मोड कर लेता हूं, यहां पर भी जा रहा है। तो भाई ये तो एक आपकी नेटवर्क आईसी है, तो जरूरी नहीं है कि ये आईसी से आपका फॉल्ट हो भाई, ये तो आपकी नेटवर्क आईसी है, तो ये एक आपके पीएफओ लगी हुई है, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि इस आईसी से फॉल्ट हो, इस आईसी में क्योंकि पीएफओ या फिर ये जो नेटवर्क, जो पीएफओ और जो कि नेटवर्क आईसी होती है, क्योंकि जो ये पीएफओ या नेटवर्क आईसी होती है कि आपके फोन को चालू तो करती नहीं है, तो गलती लोग यही करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि यार ये एक्चुअल बीबेट जा कहाँ रहा है। आपको सेलेक्ट क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको सेलेक्ट पूरा करना चाहिए, आपको ये 10-15 भी चेक करना है कि ये 10-15 वाला बीबेट कहाँ जा रहा है। अब थोड़ा आपका दिमाग खुल गया होगा, आई होप। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक जरूर करना, मेरे को लाइक चाहिए इस बार, और जितने भी लोग हैं जो भी देख रहा है वो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और जैसे ही मैंने यहाँ पर टिक किया तो देखिए 10-15 वाला आएगा खाली। अब देखिए यहाँ पर भी बीबेट है पर 10-17 वाला है, थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर भी बी बैट है पर 10-17 वाला है, यहाँ पर भी बी बैट है पर 10-15 वाला है। हमको क्या चाहिए, 10-15 वाला, ठीक है। तो 10-15 वाला जो बी बैट है वो जा रहा है इस आईसी पर, ये आईसी आपकी है फ्यूल गॉज आईसी है आपकी, देखिए ये आपकी जो आईसी है ये है फ्यूल गॉज आईसी, तो यहां से जा रहा है, ये कोड रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, मैं अभी इसको पूरा आपको पीसीबी में दिखाने वाला हूँ, पर और देख लेते हैं और कहाँ जा रहा है। इसके बाद कहीं नहीं जा रहा है, तो देखिए सिर्फ दो जगह, पहले आपने जैसे मैंने देखा है कि बहुत जगह जा रहा था, अब आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है केवल दो जगह पर जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब ये आईसी ढूंढना है, तो ये आपकी यू सिलेक्ट टूल कर लेते हैं, और यहां पर जाके इसको ढूंढते हैं, ठीक है, यहां जाके इसको ढूंढते हैं। तो देखिए ये बैटरी कनेक्टर, ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, और ये वो आईसी हो गई, ये वो आईसी हो गई। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये आईसी चेक करनी पड़ेगी, मतलब बेसिकली सबसे पहले हम ये आईसी चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा फॉल्ट बनता है कि नहीं बनता। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि इस आईसी में है ना, आपको देखो इसको हैंड टूल करना होता है तब जाके यहां से स्क्रोल होता है राइट लेफ्ट और राइट साइड। तो आप देखेंगे यहां पर बी टेम्प जा रहा होगा आपका, थोड़ा नोटिस कीजिए, ये आप देख रहे होंगे यहां पर, ये देखिए, तो मतलब
क्योंकि हमारा बीटेम भी ओपन था, तो हमारा जो ये जो फॉल्ट हो सकता है वो इस आईसी में हो सकता है, ठीक है। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कोई सीरीज में कंपोनेंट भी नहीं है, एक यहाँ पर हाई वैल्यू रजिस्टर लगा के रखा हुआ है पैरेलल रैपर, और क्योंकि बीटेम ओपन है तो मतलब हमारा जो फॉल्ट है वो यही आईसी का फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद एसएमबी नहीं तो फिर पीएम, जैसे कि मैंने स्टेप टू स्टेप समझाया आपको। अब मैं आपको यहाँ पे फोटो से दिखाना चाहता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये वाला जो रजिस्टर है आपका, ये जो रजिस्टर है वो ये रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर, और ये जो बीबेट जा रहा है वो आपका, तो बीबेट सबसे पहले इस टेस्टिंग पॉइंट से होते हुए इस रजिस्टर के ये वाले सिरे पे जा रहा है। देखिए आप C1, ये आपका नोस्कट पॉइंट है, ये C1 है, और यहां से होकर वो यहां जा रहा है, और यहां से होते हुए वो C2 पर जा रहा है जो कि यहां पर जा रहा है, ठीक है। अब जो फॉल्ट है वो हमारा ये रजिस्टर तो नहीं है, क्या क्योंकि यहाँ पे हमें रीडिंग भी अच्छी मिल रही है, वोल्टेज भी सही मिल रहा है, फॉल्ट हमारा बी टेम्प है जो कि हमारा B1, आप देख रहे होंगे B1 है हमारा बी, और जो हमारा C1 के जस्ट बगल में है यहाँ पर, ये हमारा बी टेम्प है जो कि यहाँ पर आपको इधर से ये दिख रहा होगा, और एक पैलर में यहाँ पर एक रजिस्टर लगा होगा हाई वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब वो रजिस्टर ये है वो देख लेते हैं एक बार यहां पर, देखिए ये लगा है 0201 और यहां पर R0201 देख लेते हैं एक बार, सॉरी R, ये वो मैंने वैल्यू पढ़ ली एक्चुअली इसकी, R1013 और इधर, हाँ यही है, तो ऑब्वियस है बिल्कुल सही बताया मैंने। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे ये जो रजिस्टर है ये लगा है B1 के साथ, ठीक है। अब इसको मैं इसको बी टेम की लाइन में समझाऊं, तो ये बी टेम की लाइन जा रही है पैरेलल रजिस्टर के साथ इस B1 पे, और इसकी लाइन अगर मैं समझाऊं आपको, देखिए यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, नीला कलर यूज कर लेता हूँ, हालांकि रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है। ये लाइन यहाँ से जाते हुए ये आपकी ये, तो यहाँ पे आपका बी बैट है जो कि यहाँ से आकर ही आपका यह है बैटरी फ्यूल कॉस्ट। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, आपको मैं लिंक में इसका वीडियो दे देता हूँ, आप लोग जाइए इसका वीडियो देखिए, अगर आपको ये पूरी आईसी के बारे में समझना है और आपको पता करना है कि आईसी कैसे काम करती है इसका, और इसको मैंने जंपर भी बताया था कि कौन से सिरे पे ये जंपर मारने पे वर्क हो जाता है, पर इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, सो ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप वीडियो में जाओ, लिंक में जाओ और लिंक में पूरा वीडियो वॉच करो, और वीडियो को भी लाइक करो, और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं बात, ये तो हो गई मेन, तो चलिए ये वाली आईसी पे काम करते हैं, इसको एक बार निकाल कर रिवॉल्व कर लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर इसको चेंज कर देंगे दूसरे मॉडल से। मेरे पास एक दूसरे फ़ोन पड़े हुए रेडमी 5 है, जैसे मेरे पास में 5 MI 5 है, तो जैसे कि मेरे पास Redmi 5A है तो मैं Redmi 5A से इसका, तो जैसे मेरे पास दूसरे भी मॉडल पड़े हुए हैं जिसमें ये आईसी लगी हुई है, तो मैं इस आईसी को वहाँ से निकाल के इसको चेंज कर दूंगा, पर हालांकि अभी तो फिलहाल मैं इसको रिवॉल्व करके देखूंगा और देखूंगा कि ये लगाने पर सही हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं आईसी पर काम, और दोस्तों अगर आपको आईसी निकालना लगाना नहीं आती है, आप बिल्कुल सिर्फ कनेक्टर चेंज करना और सिर्फ डिस्प्ले का छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हम परफेक्ट तरीके से आईसी निकालना लगाना सिखाएंगे, और आप हम अगर आप हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे MMC का, तो हम उसमें आपको पेस्टेड आईसी और सारी चीज़ें आपको MMC से रिलेटेड फोन अनलॉकिंग सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, और आप हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको पूरा आईसी निकालना लगाना, चालू मोबाइल में आपसे फ़ोन आईसी लगवा के चालू करवाना, ये सारी चीज़ें हम तो प्रैक्टिकली करवाएंगे, सारे सेक्शंस आपको हम समझाएंगे, जितनी भी आईसी हो सकती है डीपली में आपको उसका हम पूरा नॉलेज आपको देंगे। तो यहाँ पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, हमारी क्लास 12 घंटे की क्लास होती है, 8 बजे से रात के 8 बजे तक हमारी क्लास लगती है, और जिसमें सिर्फ 2 घंटे का एक, जिसमें सिर्फ 1.5 घंटे का
अगर मैं 2 दिन ही बोलूँ तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही छुट्टी दी जाती है, और उसमें आप सोचिए कि कितना हम प्रैक्टिकल और कितना हम थ्योरी आपको देते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SIC की। ये देखिए, SIC पर भी अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको BQ लिखा समझ में आ रहा होगा। अगर मुझे IC परचेज करनी है या दूसरी लेनी है तो मुझे BQ27426 ही परचेज करनी पड़ेगी, और अगर इसके कंपेटिबिलिटी कोई दूसरी IC मिल जाती है तो मैं वो भी लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बगल में बैटरी कनेक्टर है, उसको ढक के रखना है। तो देखिए, उस पर हम प्रोटेक्शन इस तरह से लगा लेते हैं। ये हमने ये केन का पत्ता है ऐसा, ये हमने इस तरह से लगा लिया है ताकि हमारे बैटरी कनेक्टर पर हीट ना जाए या IC निकालने के। दोस्तों, ये कभी और
तो देखिए यहाँ पर हमने आईसी पर काम कर लिया है, हमने ये आईसी लगा लिया। अब इसको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेट। और अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका बी टाइम की रीडिंग आपको शो करवाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे एम आई का लोगो आया था, ये नोटिस किया आपने? ये देखिए, और ये आके चला के इसका मतलब फ़ोन हमारा चालू हो गया है। इसको हम चालू करते हैं, पर एक बार हम यहाँ पर आपको रीडिंग शो करवाते हैं बी टेम पे, अब रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है देखेगा आप लोग। तो यहाँ मैंने इसको सेट करके रखा हूँ बीप मोड पे, इसको डायोड मोड आप बुला सकते हैं, हालांकि मल्टीमीटर में आपका डायोड और बीप अलग अलग आने लगे हैं। देखिए अब हमें आपको यहाँ पर शो करके दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा बी बैट की रीडिंग, उसके बगल में ये हमारा बी एस आई, और उसके बगल में ये देखिए 500 रीडिंग आ गई हमारी। पहले 500 यहाँ पे ओपन आ रही थी, और उसके बगल में आपको ये बीप मिल जाएगा। मैं फिर से इसको चेक करवा देता हूँ, देखिएगा ये हमारी बी एस, ये हमारी बी बैट। देखिएगा ये हमारी बी बैट, ये हमारा बी एस आई, और ये हमारा बी टैम। तो चलिए इसको एक बार प्रॉपर तरीके से ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है क्या। ये देखिए तो हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि ये डेड सेट था, और ना इसमें ईएमसी का फॉल्ट था, ना इसमें शॉर्टिंग थी, ना हाफ शॉर्टिंग थी, फिर भी ये डेड था। तो क्यों, क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। और इस बार मैंने आपको कोशिश किया कि इस बार आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम के साथ में सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई। देखिए ये हमारा फ़ोन कम्प्लीट रूप से ऑन हो गया है, देखिए टच भी यहाँ पे वर्किंग में है, देखिए टच भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी ली हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और शेयर कर सकते हो तो अच्छी चीज़ है, दूसरों को नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको और सीखना है, और अच्छे लेवल पे सीखना है, क्योंकि दोस्तों एसर टेलीकॉम का इतिहास रहा है कि यहाँ से जाने पर बहुत से बच्चों ने अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोले हैं, तो आप खुद जान सकते हैं कि हम किस लेवल पे पढ़ाते हैं। तो अगर आपको सीखना है, अच्छे लेवल पे सीखना है, तो आप आइएगा और हमारी क्लास अटेंड कीजिएगा। जो कॉलिंग है, जो कॉलिंग के लिए आपको नीचे नंबर दिया जा रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। और आफ्टर लॉकडाउन हमारा जो बैचेस हैं वो तो पहले हमारे पुराने बैचेस को मिलेंगे, तो आपको हमारे यहाँ सीट मिल जाएगी और आप कॉल करके रिजर्व कर सकते हैं। 12 और 5 बजे के बीच में ही कॉल करना है। थैंक यू वेरी मच। दो बार किया, ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ? तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, बताओ? सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ। आपका नाम क्या, कहां से है? मनोज, दिल्ली से। इतना बड़ा शहर साउथ नॉर्थ दिल्ली, इतना बड़ा, आप छोटे से जबलपुर में क्यों? सर मैं बता नहीं सकता, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है, वो सारे टीचर है ना,
बहुत बेस्ट है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसे सीखना यहाँ पे आके सीखो है, मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर सीखो यहाँ पे आके सीखो, प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर, एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल, और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर। क्या बात है, ताली बजा दीजिए सर। पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई, यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे, जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। क्या ही बात है, तो बहुत बेटे, बहुत ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आना चाहिए। बोलिए, एक बात है सर, मैं भी परेशान हूँ, आपको तो सर रात को 12 बजे भी मत पढ़ना होता है, 12 बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं, जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट डायग्राम बना के देना पड़ता है, जो हमारे पास कुछ औजार ही नहीं होता है, जबकि 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का, इतने कम डिग्री में है लोग कंबल में घुस जाते हैं, हम लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना औजार के। क्या बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूट का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.